हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकनेस्ट। तो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और इसी सीरीज़ की मैच नंबर 30 की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रिडिक्शन आज हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि क्रिकेट से जुड़ी सारी फ्रेश अपडेट्स आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। सो PSL की मैच नंबर 30 पेशावर जालौन और लाहौर कलंदस के बीच 21 फरवरी को रात 8 बजे से शुरू होगी। वेन्यू इसकी है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, पाकिस्तान में। पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस पिच पे टोटल 60 मैचेस खेले जा चुके हैं। हाईएस्ट टोटल रन 375 रही है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 250 रही है। लोएस्ट स्कोर 75 रन गई है। एक मैच इस पिच पे टाई हुई है अब तक। बैटिंग फर्स्ट में 31 टीम्स ने जीत हासिल की है, वहीं बैटिंग सेकंड में 28 टीम्स ने जीत हासिल की है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो टेम्परेचर 22 डिग्री तक जा सकती है। अब टीम फॉर्म पर नज़र डालें तो पेशावर जालमी ने अब तक इस सीरीज़ में 9 मैचेस खेले हैं। नेट रन रेट इस टीम की -0.381 की है। 5 मैचेस में इन्होंने जीत हासिल की है, 4 मैचेस में हार गए हैं। पॉइंट्स टेबल पे थर्ड पोजीशन पे 10 पॉइंट्स के साथ मेंटेन है। लाहौर कलंदस की बात करें तो इन्होंने भी 9 मैचेस खेले हैं। नेट रन रेट इनकी 0.862 की है। 6 मैचेस में जीत हासिल की है, 3 में हार गए हैं। पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे 12 पॉइंट्स के साथ मेंटेन है। हेड टू हेड की बात करें तो रेशियो 4:6 की है दोनों टीम्स की। की प्रेस पर नज़र डालें तो पेशावर जालमी की तरफ से पिछली मैच में मोहम्मद हैरिस ने 32 बॉल में 70 रन बना करके बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। स्ट्राइक रेट इनकी 108.33 की थी। शोएब मलिक ने 23 बॉल्स पे 38 रन चटकाए थे। स्ट्राइक रेट 165.22 की थी। वहीं रदरफोर्ड, जो कि इस पूरी सीरीज़ में काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं और लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, इन्होंने लास्ट में 9 बॉल 16 रन खेला था। स्ट्राइक रेट इनकी 177.78 की है। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो वहाब रियाज ने 2 विकेट लिया था, इकॉनमी 6.50 की थी। सलमान इरशाद ने 3 विकेट लिया था, इकॉनमी 7.25 की थी। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, यशर खान, शोएब मलिक, शेरफिन रदरफोर्ड, उस्मान कादर, सलमान इरशाद, वहाब रियाज, बेन कटिंग, हुसैन तलत, लियाम लिविंगस्टन, मोहम्मद हैरिस जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो अगली मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। अब लाहौर कलंदस के की प्लेयर्स पर नज़र डाली जाए तो फखर जमन ने पिछली मैच में 32 बॉल में 53 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 126.19 की थी। इनके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी 20 बॉल में 19 रन मारे थे। स्ट्राइक रेट 95 की थी। कामरान गुलाब ने 39 बॉल्स पे 55 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट इनकी 141.03 की थी। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो अफरीदी ने 2 विकेट लिया था, इकॉनमी 6.75 की थी। इनके अलावा डेविड वाइजी ने 2 विकेट लिया था, इकॉनमी 6.25 की थी। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो फखर जमन, कामरान गुलाम, फिलिप सॉल्ट, डेविड वाइजी, शाहीन अफरीदी, जमन खान, हैरिस रॉफ, राशिद खान, हैरी ब्रुक, मोहम्मद हफीज और अब्दुल्ला शफीक जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो अगली मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब सारे ही पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अगर हम प्रेडिक्शन पे बात करें तो लाहौर कलंदर्स के जीतने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे ये टीम शुरुआत से ही मेंटेन्ड है, लगातार मैचेस जीत चुकी है। हाँ, 3 मैचेस में इनकी हार हुई है, लेकिन अपने आप को काफ़ी कंसिस्टेंट और बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर्स हैं इस टीम में, तो इनके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। टॉस प्रेडिक्शन की बात करें तो लाहौर कलंदर्स के टॉस जीतने के भारी चांसेस हैं। तो ये थी पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 30 की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रेडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ देना ना भूले। आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।